प्रोडक्टिविटी के बाद सेकंड नंबर हम पढ़ते हैं, दैट इज डीकम्पोजिशन। देखो डीकम्पोजिशन क्या होती है, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड देन इनटू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, डीकम्पोजिशन बोलते हैं। डीकम्पोजर ब्रेक डाउन, डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू, डीकम्पोजर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स and then into inorganic molecules डीकम्पोजर क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, राइट। ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं, दिस प्रोसेस इज डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, डीकम्पोजिशन प्रोसेस बोलते हैं। अब डीकम्पोजिशन में आप क्या देखते हो कि डीकम्पोजिशन में डीकम्पोजर का रोल होता है, और डीकम्पोजर कौन कौन से होते हैं ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। डिकम्पोजर कौन कौन से होंगे, डिकम्पोजर एज यू नो बैक्टीरिया एंड फंगस जो होंगी, या फिर ये जितने भी सैप्रोफाइट्स होते हैं, जितने भी सैपेरोफाइट्स होंगे जो डेड एंड डिकेड मटेरियल फीड अप करते हैं उन्हें कहते हैं यहाँ पे डिकम्पोजर। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं सैपेरोफाइट्स, सेपरफाइट्स यानी फीड ऑन डेड एंड डिकिंग मटेरियल, उन्हें कहते हैं हम डिकम्पोजर्स। अब देखिएगा तो डेट्रिवोर का भी रोल होगा यहाँ पे, जो डेट्रिवोर होंगे उनका भी रोल रहेगा, और डेट्रिवोर एज यू नो कौन से होंगे, लाइक अर्थवर्म, बीटल, कैरामॉन्स, टर्माइट्स एटसेट्रा, ये क्या होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये डेट्रिवोर होते हैं। क्या होते हैं, डेट्रिवोर होते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे इसमें। टेट्रीबॉर फीड ऑन, डेट्रीबॉर जो होंगे फीड करेंगे, फीड ऑन डेट्राइटस या डेट्रिटस, डेट्रिटस और लीटर, लीटर किसके ऊपर फीडअप करते हैं, डेट्राइटस या लीटर के ऊपर फीडअप करते हैं। देखो डेट्राइटस क्या होता है, लीटर क्या होता है, अगर आप डेट्राइटस देखो, डेट्राइटस क्या होगा, जो डेड लीफ ब्रांच एंड एनिमल जो वेस्ट होता है, एनिमल जो वेस्ट होगा वो क्या कहलाता है, वो डेट्रिटस कहलाता है। क्या कहलाता है, डेट्रिटस। और लीटर क्या होते हैं, लीटर का मतलब होता है ओनली जस्ट डेड लीफ एंड ब्रांचेज, जो डेड लीफ और ब्रांचेज होंगे उन्हें कहेंगे लीटर। क्या बोलेंगे उनके, लीटर बोलेंगे।
सो डेड लीफ और ब्रांचेज होते हैं उन्हें कहते हैं लिटर, राइट। इसमें डेट्रिटस में एनिमल वेस्ट भी आ जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ प्लांट के डेड पार्ट्स आते हैं। कंपोजिशन प्रोसेस होती है, इसमें वेरियस स्टेप्स होती हैं। कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं? फर्स्ट होती है फ्रैगमेंटेशन, सेकंड होती है कैटाबोलिज्म, समटाइम में भी लीचिंग भी पहले इसे पुट कर देते हैं, कई बार कैटाबोलिज्म से पहले लीचिंग भी पुट कर देते हैं, लीचिंग। एंड ह्यूमिफिकेशन, और ह्यूमिफिकेशन के अंदर ही पुट होता है दैट इज मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। ये सी कुछ स्टेप्स आएंगे, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। दीज आर सम स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। सो फर्स्ट इज दैट फ्रेगमेंटेशन, तो फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। देखो क्या होगा, जो डेट्रिवोर्स होते हैं, डेट्रिवोर पल्वराइज करेंगे डेट्रिटस को। पल्वराइज का मतलब होता है अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्स इसको पास करेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स उसके साथ में अटैच कर देंगे, जिसकी वजह से उनका डिकम्पोजिशन होती है थोड़ी इजी हो जाती है डिकम्पोजर के लिए, वो कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। पल्वराइजेशन पल्वराइजेशन ऑफ डेट्राइटस, पल्वराइजेशन ऑफ डेट्राइटस बाय डेट्रिवोर, पल्वराइज करेंगे, कौन पल्वराइज करेगा, पल्वराइज करेंगे कौन, डेट्राइटस जो होते हैं वो क्या करेंगे, पल्वराइजेशन ऑफ डेट्राइटस बाय डेट्रिवोर, डेट्रिवोर क्या करते हैं, पल्वराइज करेंगे डेट्राइटस को, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब इसमें आपको क्या दिखाई देता है, फ्रेगमेंटेशन में इसमें डेट्राइटस जो होते हैं, डेट्राइटस सॉरी जो डेट्रिवोर होंगे, डेट्रिवोर पास डेट्राइटस थ्रू देयर डाइजेस्टिव ट्रैक एंड पल्वराइज्ड इट, और क्या कर देंगे इसे, पल्वराइज कर देंगे, इसको स्मूथ बना देंगे, ब्रेक डाउन करने के लिए इजी बना देंगे इसे, राइट। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन के बारे में। अब इसके जो नंबर सेकंड जो स्टेप आएगी वो आती कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो डेट्राइट जो बैक्टीरिया होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे, आप इसके ऊपर फीडअप करेंगे फ्रेगमेंटेशन के ऊपर, जो फ्रेगमेंट्स के ऊपर
और उसको आगे फर्दर ब्रेक डाउन कर देंगे। डीकंपोजर्स ब्रेक डाउन, डीकंपोजर्स एक्ट ऑन फ्रेगमेंट्स वो होते हैं जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आई है, ऑन फ्रेगमेंट्स एंड ब्रेक डाउन इंटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ये इसको ब्रेक डाउन करेंगे किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक में और सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे। सो दिस स्टेप इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं स्टेप को, कैटाबॉलिज्म कहलाती है। अब जो नंबर थर्ड स्टेप आती है इसमें, दैट इज अ लीचिंग। लीचिंग लीचिंग में क्या होगा, लाइक सम जो मॉलिक्यूल्स टूटे हुए ब्रेकडाउन हो चुके हैं वो पेनिट्रेट होंगे डिसॉल्वेबल मॉलिक्यूल्स डिसॉल्वेबल ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो डिसॉल्वेबल सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करेंगे, दे आर सिप डाउन और पेनिट्रेट डाउन और दे आर परक्यूलेट मॉलिक्यूल्स परक्यूलेट या पेनिट और पेनिट्रेट डाउन इनटू सोयल। अब देखो जो मॉलिक्यूल्स डिसॉल्वेबल हैं, जो डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में, या ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स पानी के साथ में जो रेन वाटर आएगा या जो नॉर्मल पानी आएगा उस पानी के साथ डिसॉल्व होकर मिट्टी के अंदर सिप डाउन हो जाएंगे, यानी मिट्टी के अंदर क्या करेंगे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे और दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पुट हुआ था नेट में और ये क्वेश्चन ये पुट हुआ था, तो लार्ज ट्रीज होते हैं, लार्ज ट्री की रूट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होती हैं, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा नीचे होंगी डेप्थ में, और इतनी ज़्यादा रूट नीचे होने के कारण से वो न्यूट्रिशन कैसे ले पाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन तो सरफेस पे बनता है, अब वो नीचे कैसे ले जाएंगे, वो नीचे प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम लीचिंग होता है। लीचिंग क्या करती है, नीचे रूट तक न्यूट्रिशन को पहुँचाएगी पानी के साथ में, तो प्रोसेस कौन सी आएगी, लीचिंग आएगी। क्वेश्चन पुट हो चुका है वहां पे। डी जो आएगा दैट इज ह्यूमिफिकेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का बनना, दैट इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। अब ये ह्यूमस क्या होता है, ये क्या होगा, ह्यूमस क्या होगा, ये एक ब्लैक कलर, डार्क
कलर, अमोर्फस, मिक्सचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखो जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं और सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो मिक्सचर होगा जो आपको अर्थ के सरफेस पे दिखाई देगा उसे कहते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमस कहते हैं। ये जनरली आप देखोगे जो गार्डन्स होते हैं या फिर एक फॉरेस्ट में आप देखो उसके जो सरफेस होगा वहाँ पे आपको डार्क डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप देसी खाद जो होता है कंपोस्ट या मैन्योर उसको भी देख सकते हो, वो भी डार्क कलर का होता है और वो भी क्या होता है, एक ह्यूमस होगा। ये सरफेस के ऊपर बनता जनरली इट या ह्यूमस फॉर्म्ड इन बेड ऑफ सोयल। ये सोयल के बेड में बनेगा यानी ऊपर वाले सरफेस पे बनेगा आपको, राइट। फिर इसके अंदर एक और स्टेप आएगी, ये इससे अलग भी ले सकते हो, और वो स्टेप आती है दैट इज मिनरलाइजेशन मिनरलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। इसमें मिनरल्स बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स या फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं, मिनरल्स बनना या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बनना दैट्स मिनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है लाइक मॉलिक्यूल्स लाइक पोटेशियम लाइक सल्फर लाइक नाइट्रोजन कार्बन एटसेट्रा, ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं, सभी अपने अलग अलग फॉर्म से अलग अलग हो जाएंगे, ये मिनरल्स कहलाती हैं एंड दिस स्टेप इज नोन एज मिनरलाइजेशन। क्या होती है स्टेप? मिनरलाइजेशन होती है यानी मिनरल्स बनना मिनरलाइजेशन कहलाता है एंड दैट इज अबाउट द डीकंपोजिशन।